शिड होंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागपुर में एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के दौरान मनाया गया जश्न, शिंदे समर्थक बड़ी संख्या में थे उपस्थित। एकनाथ शिंदे की शपथ विधि के बाद रामटेक में भाजपा द्वारा मनाया गया जश्न, नागपुर से तीसरी बार सत्ता में देवेंद्र फडणवीस। और कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को नागपुर पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथ, 3,40,700 रुपए का मुद्देमाल किया जब्त। विस्तार से महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के दौरान नागपुर शहर में शिंदे समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर इस वक्त खुशी मनाई गई। एकनाथ शिंदे के समर्थक इस समय बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। वर्धा में कम वर्षा से किसानों पर अब दोहरी बुआई का संकट है। कृषि विभाग के आह्वान करने पर भी किसानों ने जमकर बुआई की है, लेकिन बारिश न आने से अब उन पर दोबारा बुआई करने का संकट आ चुका है। मानसून शुरू हुए 2 हफ्ता से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जिले में मानसून नहीं आया है, फिर भी किसानों ने जमकर बुवाई की है। बारिश नहीं होने से इन किसानों को दोहरी बुवाई के संकट का सामना करना पड़ सकता है। कृषि विभाग इस साल बार बार किसानों से बारिश में देरी करने की जानकारी दे चुका है। औसत 100 मिमी जब तक बारिश दर्ज न हो तब तक बुवाई न करें, यह सलाह दी गई। हालांकि कृषि विभाग भी किसानों द्वारा खेती करने में अनिच्छा से नाराज है। जिला कृषि अधीक्षक अनिल इंगले ने कहा कि जिन किसानों ने बुवाई की है वो अब स्प्रिंकल की मदद से फसल बचाने का प्रयास करें। तर पहला विषय जो आहे तो कमी पावसाचा आहे। वर्धा जिल्ह्यात अजून पुरेसा पाऊस पडलेला नाही आहे। वर्धाच नाही तर इतरही महाराष्ट्राच्या भागामध्ये पाऊस हा पुरेसा आलेला नाही आहे। आता पाऊस जो कमी आहे तर त्याची वाट पाहणे आपल्या हातात आहे, परंतु अजूनही शेतकऱ्यांनी पूर्ण पाऊस पडल्याशिवाय पेरणी करू नये, कारण की पेरणी जर केली तर बियाणे उगवणार नाही आणि मग शेतकऱ्याचा जो बियाण्यावर केलेला खर्च आहे आणि मशागतीवर केलेला जो खर्च आहे तो वाया जाईल। या व्यतिरिक्त मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी केलेली आहे तर त्यांना आता आपले पीक वाचवणं आवश्यक आहे। तर पीक वाचवणे म्हटलं म्हणजे आता त्यांनी ओळखणी करावी, जेणेकरून मग त्या पिकाच्या मुळावर मातीचा भर लागेल आणि जे पाण्याचं बाष्पीभवन आहे, जे काय पाणी उपलब्ध आहे त्याचं बाष्पीभवन होणार नाही। त्यानंतर ज्या शेतकऱ्याकडे विहिरीच्या सिंचनाची उपलब्धता आहे त्यांनी ठिबक आणि तुषारचा वापर करावा आणि आपल्या पिकाला ज्याला आपण संरक्षित ओलीत म्हणतो ते संरक्षित ओलीत द्यावे आणि आपण प्रार्थना करू की या येत्या 4-5 दिवसात पाऊस येईल, कारण तसं हवामान खात्याचं प्रिडिक्शन आहे। पाऊस हा मृग नक्षत्रात पाऊस येतो, 7 तारखेपासून जूनच्या 7-8 पासून पाऊस येणार आहे असं वर्तमानपत्रात हवामानवाले अंदाज जे करणारे आहे त्यांनी सर्वांनी दिलं होतं, पण पाऊस काही चक्रीवादळामुळे आला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे। कृषी विभागाने जरी सांगितलं होतं की बा पाऊस आल्याशिवाय तुम्ही पेरणी लावून करू नका, पण शेतकऱ्यांचा जो ठरलेला दरवर्षीचा जो टाइमटेबल असतो त्यानुसार शेतकरी पहिले लावण नंतर पेरणं हे सर्व करतात आणि शेतकरी एक आशावादी आहे, नेहमी तो आशावादी असतो की बा आज नाही तर उद्या पाऊस येणार आहे। राज्य में महाविकास आघाडी सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य की सत्ता फिर से स्थापित की है और आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद सातारा के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया गया।
भाजपा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सातारा के पुत्र एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सातारा जिले के विभिन्न हिस्सों में सातारी कंदी पेड़े बांटे और उनके मुख्यमंत्री पद पर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से सातारा जिले ने राज्य को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। उनमें से यशवंतराव चव्हाण राज्य के पहले मुख्यमंत्री, तहसील के पुत्र बाबा साहेब शिंदे, सातारा के कराड़ तालुका में रहने वाले पृथ्वीराज चव्हाण और अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की परंपरा मिली है। इसलिए सातारा को एकनाथ शिंदे का रूप मिला। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री का पद सातारा के लिए विकास में योगदान देता है। गेले 8 ते 10 दिवस जे महाराष्ट्र राज्यामध्ये जो काही सत्ता संघर्ष उभा चालू होता त्याचा आज अखेर त्यावर पडदा पडलेला आहे। सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र आमचे आधारस्तंभ मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले ह्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, इथून पुढे सातारा जिल्ह्यामध्ये म्हणजे फक्त विकास फक्त ठाणे जिल्ह्यातला किंवा असा नाही होणार, एकूण महाराष्ट्र राज्याचा विकास होईल। ह्याच्या आधी 8 ते 10 दिवसापूर्वी जे दुफळी निर्माण झाली होती सातारा म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जसं सातारा शहरामध्ये की हा गट तो गट असा काही राहिलेला नाही आहे, आज पुन्हा एकदा मंत्री मोदी एकनाथ शिंदेनी हे सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। फक्त महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हा शिवसेना झालेला आहे आणि ते जे साहेब आमचे भाई बोलतात तेच करून दाखवले। रामटेक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पद की शपथ लेते ही भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी की। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी, साथ ही दोनों के लिए जमकर नारेबाजी की। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सत्ता में होंगे। भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद पर अचानक से सियासी मोड़ आ गया। दरअसल यह भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका था। फडणवीस ने मुख्यमंत्री की जगह उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो भाजपा धड़े में असमंजस का माहौल था और कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे से इस बारे में पूछ रहे थे। भाजपा पदाधिकारियों ने विचार व्यक्त किया कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने से देवेंद्र फडणवीस की महानता साबित हुई है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मुलमुले, पूर्व महापौर दिलीप देशमुख, पूर्व पार्षद आलोक मांडकर, प्रभाकर खेड़कर, उमेश पटले, गोपी कोलेपारा, इस अवसर पर रजत गजबीये, राजेश जायसवाल, चरण सिंह यादव, अतुल पोटभरे और साथ ही भाजपा की महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। फ्रंट अध्यक्ष ज्योति कोलेपारा, पूर्व पार्षद कविता मुलमुले, लता कामले, चित्रा धुरई, उज्वला धमगाए, पद्मा ठेंगरे, चंद्रमणि धमगाए आदि मौजूद रही। जालना में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नगर सेवक अशोक पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जालना के शिवसेना नगर सेवक अशोक पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के सत्कार कॉम्प्लेक्स परिसर क्षेत्र में नारेबाजी की और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इसलिए जब उद्धव ठाकरे के समर्थक दावा कर रहे थे कि जालना में एक भी शिवसेना कार्यकर्ता नहीं फूटा था, शिवसेना नगर सेवक अशोक पवार और उनके कार्यकर्ताओं ने सत्कार परिसर क्षेत्र में पटाखे जलाकर इस अवसर का जश्न मनाया। जालना में भी अब सेना में बंटवारा हो गया है। हम एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री है, ऐसा इस वक्त कार्यकर्ताओं ने कहा। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, त्याच्यामुळे आज आनंद उत्सव आम्ही साजरा केला। आम्ही सर्वजण शिवसैनिक आहोत आणि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी शपथ घेतली त्याच्यामुळे आम्ही जल्लोष उत्सव करतो जालना शहरामधून। नूतन सबच्या एरियामधून आम्ही सर्वजण म्हणजे सगळे आमचे प्रमुख अशोकजी पवार नगरसेवक शिवसेना यांच्या वतीनं आम्ही जल्लोष उत्सव करतो। आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिकच आहोत, आम्ही जल्लोष उत्सव करतो फक्त। एकनाथ शिंदे साहेबांनी आज आपलं मुख्यमंत्री पदाचे आज आपला पदभार स्वीकारला, काय भावना आहे तुमच्या त्यांच्याकडून? काय भावना आहे काय म्हणा, आदर आहे आम्हाला मुख्यमंत्री झाले म्हणून। आम्ही त्यांचं समर्थन करतो, आम्ही त्यांचं समर्थन करतो आणि हा बाळासाहेबाचा एक शिवसैनिक म्हणून मी बोलतोय तुम्हाला। आणि हा जल्लोष कोणाच्या? बाळासाहेबाचा एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री झाला, मला आम्हाला खूप मोठा आदर आहे। खबर के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर,
मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। यवतमाल के पुसद के काकड़दाती ग्राम पंचायत के तहत नाइक इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल वाले पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की प्रतिमा समेत वास्तु की हालत खराब हो चुकी है। यह लोगों के लिए खुली नहीं की तो तीव्र आंदोलन होगा, ऐसी चेतावनी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष जाधव ने जिला प्रशासन को दी है। पुसद तालुका में काकड़दाती ग्राम पंचायत के तहत नाइक इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की प्रतिमा और वास्तु खराब स्थिति में है। इस प्रतिमा का निर्माण करोड़ों रुपए लगाकर किया गया, हालांकि इसका समर्पण नहीं होने के कारण वास्तु स्थिति खराब हो गई है। यह लोगों के लिए खोल दिया जाए, नहीं तो बाद में आंदोलन होगा, ऐसा आह्वान वसंतराव नाइक के जयंती के मौके पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष जाधव ने जिला प्रशासन को दिया है। काकड़दाती ग्राम पंचायत अंतर्गत बाबासाहेब नाईक इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या बाजूला असलेल्या शेतकऱ्यांचे दैवत, आराध्य हरित क्रांतीचे प्रणेते कैलासवासी वसंतराव नाईक साहेबांच्या पुतळ्याची व त्याच्या वास्तूची मोठी दुरवस्था आहे। जनभावना अत्यंत संतप्त असून सामान्य माणूस संताप व्यक्त करेल अशी अवदशा या पुतळ्याला निर्माण झालेली आहे व वास्तूला पण निर्माण झालेली आहे। 2014-15 शासनाने 9,70,00,000 रुपये या वास्तूच्या निर्माणासाठी देण्यात आले होते। गवलीच्या स्मृतिस्थळाच्या उत्कर्षासाठी 2 कोटी रुपये देण्यात आले होते, पण दुर्दैवाने ही वास्तू आज सामान्य जनतेसाठी लोकार्पण होऊन खुली करण्यात न आल्यामुळे या वास्तूची मोठी दुरवस्था झालेली आहे, मनाला खिन्न करणारी आहे। वसंतराव नाईक साहेबांच्या पुतळ्याचा वनवास स्थानिक नेते कधी संपवतील असा यक्ष प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये आज निर्माण झालेला आहे। यांची निष्क्रिय भूमिका वसंतराव नाईक साहेबांच्या या अवहेलनेला कारणीभूत आहे। मी काल सार्वजनिक विभागाच्या व जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केलेली आहे, 1 जुलै ते 18 ऑगस्टपर्यंत हे वास्तू व हा स्मारक सामान्य जनतेसाठी खुलं करण्यात यावं, अन्यथा यासाठी वसंतराव नाईकवर अपाड प्रेम करणाऱ्या जनतेला सोबत घेऊन
व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा गर्भित इशारा मी आपल्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाला देतो। क्राइम ब्रांच पोलीस थाना अंतर्गत लकड़गंज इलाके में गैस सिलेंडर से अवैध गैस ऑटो में मशीन द्वारा भरने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कुल 3,40,600 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक लकड़गंज इलाके में कुछ लोग अपने फायदे के लिए घरेलू ISMHP कंपनी के गैस सिलेंडर से अवैध गैस ऑटो मशीन द्वारा भर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी के दौरान सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को दबोचा और कुल 3,40,600 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश छपले, अंकलेश दिलीप वंजारी और मोहसिन रशीद शेख को गिरफ्तार किया और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 30/6/2022 रोजी आमच्या युनिट क्रमांक 3 पथकाचे कर्मचारी पोलीस हवालदार श्याम अंगुतलेवार तसेच पथक यांना अशी माहिती मिळाली होती की बाबुलबन पोस्टे लकडगंज हद्दीमध्ये एक किसम घरगुती वापराचे सिलेंडर त्याच्यातील इलेक्ट्रिक मशीनने काढून ते ऑटो गॅस सिलेंडरमध्ये भरत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून सदर ठिकाणी कायदेशीर रेड छापा कारवाई केली असता तिथे एकूण 3 इसम मिळून आले। त्यापैकी जो गॅस विक्रेता आहे ते आहे दिनेश खुलासी छपेले, राहणार बाबुल बन मस्जिद लाईन पोस्टे लकडगंज। ऑटो घेऊन आलेले ग्राहक म्हणून आलेले 2 व्यक्ती आहेत, त्यापैकी अंकलेश दिलीप वंजारी झाडे किराणा स्टोअरजवळ यशोधरा नगर राहणार, नंतर आहे मोहसिन रशीद शेख राहणार हिवरी नगर पोस्टे नंदनवन। असे 3 लोक आपण त्यांना ताब्यात घेतले, त्यांच्याकडून 3 सिलेंडर HP कंपनीचे 1 व 2 इंडियन कंपनीचे असे एकूण 3 सिलेंडर हस्तगत केलेले आहेत। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। कृषि संजीवनी मुहिम के तहत आने वाले खरीफ सीजन के बारे में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कृषि अधीक्षक अनिल इंगले ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को वर्तमान जलवायु परिवर्तन और अगले महीने बारिश की संभावना, बीज की बुवाई व पूर्व देखभाल, बीज प्रसंस्करण और अन्य सहायक मुद्दों पर जानकारी दी जा रही है। आता सध्या कृषि संजीवनी सप्ताह सुरू है आमचा, तर कृषि संजीवनी सप्ताह मध्ये आम्ही तेच विषय घेत आहोत का जे मागच्या वर्षी जे प्रॉब्लेम उद्भवले शेतकऱ्यांना तेच प्रॉब्लेम आम्ही त्याच्यामध्ये कव्हर करत आहोत। उदाहरणार्थ सोयाबीन पिकावर येणारी खोडमाशी आणि चक्रीभुंगा अळी, कापूस पिकावर येणारं गुलाबी बोंडअळी आणि बोंडसड, आणि तुरीवर येणारा मर रोग, तर ह्या 3 पिकावर जे रोग येऊ शकतात किंवा यापूर्वी आलेले आहे तर त्या रोगाच्या नियंत्रणावरच आम्ही फोकस करत आहोत। बीड में आज पहली बार बैलगाड़ी दौड़ के शर्त में रोमांच देखने को मिला। इस दौड़ का आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुस्के ने किया। इसमें पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर और सातारा के बैलगाड़ियों के मालिकों ने भाग लिया था। बैलगाड़ी दौड़ बीड के पास तलेगांव शिवार में आयोजित की गई थी, जिसमें 100 बैलगाड़ी मालिकों ने भाग लिया, जबकि दौड़ जीतने वाले बैलगाड़ी के मालिकों को मोटरसाइकिल पुरस्कार दिया गया। बीड जिले में पहला बैलगाड़ी शर्यत ही होते, त्याचं कारण आहे कारण की मागच्या काही महिन्यामध्ये बैलगाड़ी शर्यतीसाठी शासनाने या ठिकाणी हायकोर्टाने त्याला परमिशन दिलेली आहे, कारण की हा शेतकऱ्याची स्पर्धा आहे, शेतकऱ्याचं जे पशुधन आहे त्याला जपण्याचं काम आमच्या मराठवाड्यातला शेतकरी मनापासून या ठिकाणी करतो। आणि आज आपण बघतो मुलापेक्षाही जास्त प्रेम करणारे जे शेतकरी आहेत आपल्या बैलावरती प्रेम करतात आणि आपले बैल मुलापेक्षाही जास्त सांभाळण्याचं काम या मराठवाड्यातला शेतकरी या ठिकाणी करतो आहे। आपला हा मराठवाडा नेहमी दुष्काळग्रस्त म्हणून ह्याच्याकडे पाहिलं जातं, परंतु शेतकऱ्यातल्या मनामध्ये जे घालमेल असतो ते कुठेतरी दूर व्हावा आणि ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून बैल जोडी ही शेतकऱ्यांनी पाळली पाहिजे, कारण की नवीन युगामध्ये बैलजोडी शेतकऱ्यांच्या दारामध्ये दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे, कारण की
ट्रॅक्टर वगैरे यंत्र या ठिकाणी आलेले आहेत, परंतु बैलगाडी बैलदेखील या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या दारामध्ये असले पाहिजेत अशी आमची भावना आहे. म्हणून त्या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त बैल सांभाळावेत, हीच या स्पर्धेच्या पाठीमागची भावना आहे. तो विकीबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए विकीबी न्यूज. नमस्कार.